भोपाल से सटे बैरागढ़ और ईदगाह इलाके में अगर आप रहते हैं तो ठहरिए, क्योंकि शायद सरकार आपको अंधेरे में रख रही है। दरअसल जिस मर्जर एग्रीमेंट के बारे में प्रशासन जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उस मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी बीजेपी विधायक जितेंद्र डागा के पास है। सुनकर आप सन्न रह गए होंगे, मगर देखिए यह सहारा समय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बैरागढ़ और ईदगाह इलाके की 4.5 लाख की ज्यादा आबादी की नींद पिछले कई साल से उड़ी हुई है। रह रहकर एक ही बात जहन में आती है कि कहीं मकान और दुकान छिन तो नहीं जाएगा, मगर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर उनके भरोसे की वजह क्या है, क्योंकि इलाके के मर्जर एग्रीमेंट को तो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। जब जब मध्य प्रदेश विधानसभा में जानकारी मांगी गई, एक ही जवाब मिला कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो फिर एग्रीमेंट की कॉपी है कहां? हम बताते हैं, मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी है बीजेपी विधायक जितेंद्र डागा के पास। जी, मेरे पास मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी है, एक नहीं दो हैं, और एक पहले बनी थी और उसके बाद जो दूसरे में डिटेल्स दी हुई है, दोनों मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है। डागा कहते हैं कि 2009 में आरटीआई के तहत उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से एग्रीमेंट की कॉपी निकाली है, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम देख सकते हैं कि लोक सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है। 5/10/2009 को डागा साहब ने जानकारी निकाली थी, क्या उसके बाद भी विधानसभा में इस तरह का जवाब आया कि जानकारी नहीं है? जी, उसके बाद भी जब हमने जानकारी मांगी, कई क्वेश्चनों के तो जवाब ही नहीं दिए कि हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। आज तक उनके सही जवाब नहीं दिए, और जवाब अगर जो भी मांगे गए हैं तो घुमा फिरा गया, गलत तरीके से दिए। हमने विधानसभा में पूछा कि मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी दे दी थी हमें, तो हमें जवाब मिला कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब आपके पास जिसकी जानकारी नहीं है सरकार के पास, वो उस एग्रीमेंट के हवाले से क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? मगर कई सवालों के घेरे में तो डागा भी खड़े हो गए हैं। डागा ने अब तक ये बात छुपाकर क्यों रखी? 28 अगस्त 2011 को जब बैरागढ़ में लोग सीएम के सामने भोपाल प्रशासन पर मर्जर एग्रीमेंट की आड़ में परेशान करने की बात कह रहे थे, तो डागा ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि एग्रीमेंट की कॉपी उनके पास है? जब भोपाल प्रशासन ने मर्जर एग्रीमेंट का हवाला देते हुए लोगों को सार्वजनिक नोटिस थमाया, उस वक्त डागा ने ये कॉपी क्यों नहीं दिखाई? सबसे हैरानी की बात ये कि जब डागा को आरटीआई के तहत ये कॉपी दी गई, तो जिला प्रशासन ने विधानसभा में ये कॉपी क्यों नहीं दी? इस पेचीदा मामले की सुनवाई पिछले कई साल से भोपाल कलेक्टर की अदालत में चल रही है, और चर्चा है कि शायद 4 जून को कोई फैसला भी आ जाए। मगर डागा कहते हैं कि फैसले में राजस्व विभाग के भ्रष्ट अफसरों को बचाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। 4 तारीख तक ले देके, मतलब कि या तो कहेंगे कि साहब ये मामला जो है कोर्ट का है, एक कोर्ट जाएं आप लोग, अपना पल्ला झाड़ देंगे और अपने आप के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचा लिया जाएगा। आखिर मर्जर एग्रीमेंट है क्या बला और क्या लिखा है उसमें, आगे हम आपको सब बताएंगे। मगर इन सब से अलग जरा सोच कर देखिए, अगर किसी दिन सरकार ने ये कहकर बैरागढ़ के लोगों को उनकी जगह से बेदखल कर दिया कि वो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, तो उस दिन भोपाल में क्या होगा? वीरेंद्र शर्मा, सहारा समय, भोपाल।